हिसाब से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है, पढ़ना क्राफ्ट के लिए या फिर देखना? मेरे ख्याल से पढ़ना, क्योंकि आप जो विजुअल देख रहे हैं तो वो विजुअल किसी और ने क्रिएट किया है, तो आपके इमेजिनेशन का स्कोप कम हो जाता है। क्योंकि तय है कि भाई एक खूबसूरत सुबह का शॉट है, तो उसने कैमरा फिल्म वालों ने लगा दी खूबसूरत सुबह, और आप कल्पना कीजिए कि आप पढ़ रही हैं किताब में कि वो दैट वाज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, तो 100 लोग पढ़ेंगे तो 100 विजुअल बनेंगे, उनके अपने अपना इमेजिनेशन काम करेगा। आपके जीवन की कोई खूबसूरत सुबह, जैसे ये बोलते वक्त मुझे अचानक पौंडीचेरी की सुबह याद आई, मैं 6 बजे 1-2 साल पहले समंदर किनारे चला गया था। तो विजुअल में आप रेफरेंस आपका फिक्स कर देता है कि यही है, टेक्स्ट इमेजिनेशन को खोल देता है कि ये खूबसूरत चांद है, एक प्रेमी अपने प्रेमिका को स्टेज पे बोलता है, तो 100 लोग बैठे हैं वो सब चांद देखेगा और सिनेमा में एक चांद का शॉट लग जाएगा तो 100 आदमी को एक ही चांद दिखेगा। तो टेक्स्ट को कभी भी मैं देता हूँ, यही कारण है कि मुझे लगता है मैं सिनेमा करने सिनेमा देख के बतौर एक्टर इंस्पायर नहीं हो सकता हूँ एक्टिंग करने के लिए, तो वो अच्छा है, मैं देखता हूँ कि क्राफ्ट के स्तर पर क्या कर रहे हैं, पर मुझे पढ़ के ज्यादा मजा आता है। थैंक यू सो मच। I can't mimic that act, but I'd love to see you work there. And my question is, you have acted so many iconic characters. Yeah. So which one was most challenging for you that you have to work more to see audience get these kind of responses? एवरी कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग, एक्टिंग अपने आप में चैलेंजिंग जॉब है, बट यस ऑफ कोर्स देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड गुड़गांव जो दैट वाज क्वाइट टफ फॉर मी, क्योंकि वो इंटरनल था और उस कैरेक्टर का जो पेन था, कॉन्फ्लिक्ट था, वो मुझे भी बहुत दिन तक परेशान किया था। तो गुड़गांव वाज अ बिट टफ फॉर मी, बाकी सब तो बहुत सारे तो आसानी से कर लेता हूँ, कालीन भैया भी उतने मुश्किल नहीं है। भाई माधव मिश्रा क्रिमिनल जस्टिस, वो मेरे पड़ोसी ही हैं, रोज आ जाते हैं घर पे चाय पीने, बोलता रहे जाइए भाई। Question. Lot of actors say that the movies I do, the work I do, I won't watch again. But do you watch, sir, those acts? Sometimes some clips, some scenes, not the entire movie or the entire scene. Thank you, sir. So 2 दिन पहले ही मैं अब मिर्जापुर देख रहा था, एक सीन देख रहा था सीएम के साथ, तो उसमें मैं देखता हूँ तो मुझे गलतियां दिखती हैं। एवरी टाइम आई वॉच माई ओन परफॉर्मेंस ना, मुझे पॉसिबिलिटी दिखती है कि इससे बेटर कर सकता था। मौका मिलेगा। और जैसे आप एंटर कर रहे थे इंडियन गाला में, मैंने आपको सर नमस्कार किया और आपका सेम टाइम रेस्पॉन्स था, आपने भी नमस्कार किया। हाँ शायद काफी लोगों का जो फिल्म स्टार का, मैं ये नहीं देख पाता कि जब वो इस तरीके से जो ठहराव आप में है कि सर, मैं आपके जितने भी इंटरव्यू, चाहे जिंदगी विद रिचा मैम के साथ हो, चाहे संदीश सर के साथ हो आपका इंटरव्यू, तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि सर आपने बहुत ज़्यादा ठहराव है। जब आप बताते हैं कि आपकी वाइफ जो है वो एक टीचर है और उसकी वजह से आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि, तो सर वो मैं चाहता हूँ, मैं डरता हूँ कभी कभी कि लगता है कि बॉम्बे जाना होगा तो बड़ा डर लगता है, तो सर मैं चाहता हूँ कि आपसे पूछना कि आप ये ठहराव जो है अभी तक कैसे मेंटेन करते हैं? अब तो मैं क्या बताऊं, दरिया से पूछते हो ठहरे क्यों हो, वो वैसी तासीर है, वैसी बनावट है, मुझे भी मैं डाइसेक्ट नहीं कर सकता, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट यस ये थोड़ा थोड़े बता सकता हूँ कि इसमें पढ़ाई, इसमें थोड़ा सा योग, थोड़ा सा अध्यात्म का भी योगदान है। मैं गुस्सा बहुत जल्दी नहीं होता हूँ, ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं है मुझ में, है बहुत क्रोध है, लेकिन अपने क्रोध को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला मिल रहा है मुझे जीवन में। तो वो सारे भाव हम सब में है, प्रेम भी है, गुस्सा भी है, लोभ भी है, लालच भी है, यही पे एक्टिंग की ट्रेनिंग अगेन काम आती है लाइफ में भी, कि हम हमारे अंदर सारे इमोशंस हैं, सारे भाव हैं, बट कुछ किरदार एक्टिंग जितना दिखाने का है उतना ही छुपाने का काम है, कि
कि सीन में हम क्या दिखा रहे हैं को कैरेक्टर को और क्या छुपा रहे हैं, और जो छुपा रहे हैं एक्टिंग में वो भी दिखनी चाहिए, ऑडियंस को लगे कि देखा देखा उसने उसे छुपा लिया। तो उसकी प्रैक्टिस है जीवन में, वो किताबें हैं और नॉट शायद ऐसी है। आपने मुझे प्रणाम किया तो मैं, मुझे जहां तक मेरी नजर जाती है किसी का अभिवादन दिखा तो मुझे लगता है मैं भी तो रिप्लाई कर दूं। आपने ऊर्जा खर्च की है, प्रेम भेजा है, तो मैं प्रेम रखूंगा, क्यों लौटा दूंगा आपको भी। क्या बात है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत आया है इधर आज। मैं कहना चाहता हूँ जैसे की तरह भोजपुरी बैकग्राउंड है आपका, तो आप भोजपुरी सिनेमा के स्तर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मास्टर क्लास आए हुए हैं आपसे संबंधित कुछ सवाल पूछे। सॉरी सर, बस हाँ नहीं नहीं उसके बारे में क्या कहना चाहूंगा जी सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, अच्छा कहना चाहूंगा उसके बारे में। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, राइटिंग के स्तर पे, लेखने के स्तर पे वहाँ थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैं देखा नहीं हूँ, बावजूद उसके राय दे रहा हूँ थोड़े ट्रेलर देख के, मेरे दोस्त हैं बहुत बनाते हैं कि राइटिंग थोड़ी बेहतर करें तो अच्छा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। ये लड़की बहुत देर से परेशान है, पूछ रहे नमस्ते सर, मेरा नाम आरती है। मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप कोई किरदार करते हैं और हो सकता है कि आपको खुद लगे कि एक्टिंग इतनी अच्छी ना की हो आपने, बुरी एक्टिंग की, और दुनिया वाहवाही करे क्या कैरेक्टर बनाया, बहुत अच्छी एक्टिंग की, होता होगा शायद कभी, तब एक कलाकार के हिसाब से अपने अंदर आप उस चीज को कैसे प्रोसेस करते हैं? आपको क्या लगता है कि वो वाहवाही के अगर काबिल नहीं हो वो परफॉर्मेंस, तो अंदर आप उस चीज को कैसे प्रोसेस करते हैं, बैड एक्टिंग और गुड एक्टिंग के बीच में? मुझे भी समझ नहीं आता है ये सवाल, मैं इतने भी ढूंढ रहा हूँ जो आपने पूछा। एक किरदार था ऐसा कि बहुत गंभीर क्रिटिक्स को अच्छा नहीं लगा, उदिता जी बैठी हैं तो जानती भी हैं, और मुझे कई लोग बहुत संख्या में मिले, बोले वो कमाल था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्या है, ये मुझे भी थोड़ा संदेह होता है उस पर कि यार वो, बट मैं जान के किया था कुछ चीज़ें, कुछ करेक्टर में इंटरेस्टली हम जान के भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ, छोटी सी एक एक्सपेरिमेंट कि लोग इस पर क्या कैसा रिएक्ट करेंगे करके देखते हैं। तो यस ये होता है, और ये सवाल मेरा भी, मुझे भी समझ में नहीं आता है। सामने वाले को देखो भाई, किसी को पसंद भी आ सकता है, किसी को नहीं भी पसंद आ सकता है। हमारा ट्रूथ, जिस दिन हम फिल्मिंग कर रहे थे, जब शूट कर रहे थे, उस दिन एक एक्टर का ट्रूथ होता है, उसके बाद फिल्म बन जाने के बाद एक्टर का ट्रूथ कुछ नहीं होता है, ऑडियंस का होता है, इधर पसंद करे और ना पसंद करे। थैंक यू। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सुमित है। आपकी जो मिर्जापुर वाली जो एक्टिंग है, जो आप वो आपको क्या लगता था, पहले शूट करने टाइम लगता था कि ये लोगों को इनका इतना पसंद आएगी? और मुझे आपकी आवाज बहुत मीठी लगती है, आप क्या आवाज पे क्या काम करते हैं उनके, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, और आप क्या पढ़ते हैं वो भी जानना चाहता हूँ। आप भी एक्टर हैं क्या? नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ। हमारे टीचर थे, वो कहते थे थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम, एक्टर हमेशा इकोनॉमी ऑफ जेस्टर पता होनी चाहिए, अगर मेरा इतना हाथ उठाने से काम हो गया सीन में तो मैं इतना क्यों उठाऊंगा, इसको खर्च मत करो, तो इकोनॉमी ऑफ जेस्चर भी पता होने चाहिए। तो सम हाउ कहीं ना कहीं वो नॉडिंग जो था वो कालीन भैया के किरदार में आ गया। तो और मुझे मालूम नहीं था कि इतनी छोटी चीज, आप समझो ना, आज से 15 साल पहले इंडियन एक्टिंग एरिना में उस नेक मूवमेंट को कोई रजिस्टर कर पाता शायद नहीं। तो अभी की ऑडियंस अवेयर हुई है, अभी का मीडियम, डिजिटल मीडियम, OTT आने से आपके पास वो सुविधा है कि आप रुको, बैक करो और फिर से रिचेक करो कि क्या हुआ,
और इतने क्रिएटिव है लोग, वो एक कोई मीम्स बनाने वाले व्यक्ति ने बनाई थी, नवीन नाम है आई थिंक उनका, तो हालांकि वो पता भी नहीं चलता है कौन बनाता है क्योंकि वहां तो कॉपीराइट हर कोई ले लेता है कि मैं बनाया है तो, बट यस और थैंक यू मेरी आवाज मीठी होने के लिए, मैं वेस्टर्न घाट का शहद खाता हूँ जिस इलाके में बैठे हैं गोवा, तो नहीं इसकी भी प्रैक्टिस है, इसकी भी प्रैक्टिस है, ऑफकोर्स दसवीं क्लास से नहीं होगा, मैं भी थोड़ा बेचैन आत्मा था, तो अब धीरे धीरे जीवन में आप ठहराव आते हैं तो आपको ठहराव आपकी आवाज में भी आ जाती है, तो जो बाहर दिख रहा है ना उसके पीछे का सारा मेहनत अंदर किया गया है, इंटरनल मेहनत है जो दिखता है। थैंक यू। प्रोजेक्ट चालू होने से पहले या चालू होने के बाद एज एन एक्टर आप डायरेक्टर से किस तरह का किस तरह का कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हो? वाह बहुत बढ़िया सवाल है। हर तरह का कि वो अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट, नॉट ओनली कि अबाउट द स्क्रिप्ट और हाउ माई कैरेक्टर इज शेप्ड और प्लान, अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट मैं उनसे खाने का बात करता हूँ, क्या खाने में पसंद है, क्या पसंद है, तो मैं बोलता हूँ जो दोनों हम का खाने पसंद लोग मिल गए, बोलते हैं जो खाने से समय बचेगा उसमें फिल्म बना लेंगे, तो सब कुछ खाना लिटरेचर संगीत, क्योंकि उससे पता चलता है कि ये अगला 40 दिन कैसा जाने वाला है, तो ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट के लिए जुड़ते हैं वो तो है ही पार्ट ऑफ द गेम, उसी के लिए सब पूरी यूनिट एक 40-50-100 पन्नों की कहानी लेती है, 250 लोग होते हैं और मुंबई से अपने अपने घरों को बीवी बच्चों को छोड़ के बनारस में मिर्जापुर में कोलकाता में गोवा में आते हैं और उस कागज के पन्ने को सेलुलाइट उतार के लौटते हैं, तो कमाल की जर्नी है ना, क्या बात है। पेपर और कुछ पैसा लगता है उसमें प्रोड्यूसर का, वो नहीं बताया। थैंक यू सो मच। बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके पास स्क्रिप्ट आती है डायलॉग्स आते हैं, आपका पर्सनल स्टाइल क्या है, कितना आप उसको इंप्रोवाइज करते हैं? ओ यस काफी बहुत हद तक बहुत, और जब भी मैं इंप्रोवाइज करता हूँ तो मैं डायरेक्टर से अनुमति लेके परमिशन लेके कि भाई मैं मुझे ऐसा कुछ आइडिया आया है, क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर है, बतौर एक्टर हो सकता है कि, और मैं मानता हूँ कि कोई भी इम्प्रोवाइज करने के पहले इम्प्रोवाइजेशन के पहले मेरा पर्पस जो होता है ये नहीं होता है कि मैं दिख जाऊं इस सीन में, मैं खा जाऊं, मैं नहीं मानता हूं कि एक्टिंग जो है रेसलिंग नहीं है, एक एक्टर दूसरे एक्टर को पटकता नहीं है, पहलवानी नहीं है कि हम उसको खा गए, नहीं, हम दो चार छह एक्टर मिलकर सीन को डिलीवर करते हैं, कॉन्टेंट डिलीवर करते हैं, तो somehow जो सीन को दर्शकों तक डिलीवर कर रहा होता है, मेरा पर्पस ये नहीं होता है मैं दिखूं, मेरा पर्पस होता है ये सीन दिखे और इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग वे में ये सीन हम डिलीवर कर दें ऑडियंस को, तो काफी करता हूँ, बहुत करता हूँ, जैसे इसी में अभी फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, आप ये जो भी क्लिपिंग्स चली वो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, वो गाना कहीं मेरे दिमाग में अचानक आ गया, वो आधार कार्ड वाली भी लाइन ऐसे आ गई मेरे मन में, वो सबका आधार लिंक है भूत के पास, तो करता हूँ और वो अनुमति लेके करता हूँ और ये कह के करता हूँ डायरेक्टर्स को कि अगर आपको लगे कि ये वर्क नहीं कर रहा हो तो आप ब्रूटली इसको मेरे को मना कर देना, मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, वही ड्रॉप कर दूंगा, कई बार अच्छा आइडिया भी कई डायरेक्टर ने ड्रॉप किया और मैंने हैप्पीली ड्रॉप किया, छोड़ दिया, बावजूद इसके मेरा मन कह रहा था कि यार ये ज्यादा वर्क करता अगर करते तो, फिर लगता है मेरी कैप्टन ये है तो इनकी बात तो माननी ही है। हमारा जो पर्सनैलिटी है वो भी इवॉल्व होते रहता है, तो उसमें फ्लॉप इरा भी आता है, अब उस वक्त जब आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिले जो बहुत आगे जाके बहुत आइकॉनिक हुए, तब आपका इंटरनल प्रोसेस क्या था, हाउ मच ऑफ योर पर्सनल लाइफ
comes into play when you're playing a character? Because you आपने बहुत महत्व दिया है self को and what from what I can understand that whatever you've said. So a time when आप उतना खुश नहीं थे या I mean such a long journey right? There have been ups and downs. How much of that has come into your characters? यही है एक्टर की ये कमाल की का जॉब है हमारा और जर्नी होती है कि कई बार हमारी जिंदगी में दुख चल रहा होता है और उस दिन शूटिंग में हम कोई हैप्पी फिल्म आ रहे होते हैं सीन तो अपने पर्सनल दुख को कम करके और सीन की खुशी परफॉर्म कर रहे होते हैं सेम टाइम कई बार हमारी जिंदगी में बहुत हैप्पीनेस चल रही होती है और सीन कैरेक्टर जो मिला है वो बड़ा सैड या बहुत कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता हुआ किरदार है जैसे गुड़गांव की मैंने जिक्र किया तो हम अपनी हैप्पीनेस बतौर एक्टर अपनी हैप्पीनेस कुर्बान करते हैं किरदारों के लिए और किरदारों का सैडनेस उनका दुख उनका कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट हम अपने जीवन में ले लेते हैं तो यही कारण है कि कई बार आपको मुझे लगता है ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता है कि कई एक्टर आपको बहुत चिड़चिड़े और वो कई बार दिखेंगे कि गुस्से में है आपको नहीं मालूम मैंने एक 10 साल पहले एक बार मेरे साथ हुआ था चलते शॉर्ट में मैं किसी पर चिल्ला दिया और बिल्कुल वो मैं नहीं था मैंने कट होने के बाद माफ़ी मांगा उस आदमी से जाकर कि तुम मुझे क्योंकि तब रियलाइज हुआ कि बहुत एंगर वाला सीक्वेंस चल रहा था तो उसमें तो वो होता है हम अपनी पीड़ा किरदारों की पीड़ा खुद ले लेते हैं और अपनी हैप्पीनेस उनको दे देते हैं सर तो फिर ये जो कुर्बानी है ये एक यू नो एज अ इंडिविजुअल आपको कैसे अफेक्ट करता है आपको ऐसे कब लगता है कि जो इमोशंस फील करने थे वो मैंने काम में फील कर लिया अब लाइफ में नहीं कर सकता क्योंकि मैं टायर्ड हो गया हूँ हाँ वो बड़ा बड़ा वो एक्टर और कैरेक्टर का जो रिश्ता है बड़ा अद्भुत है वो कई बार रात को जगाता है परेशान करता है वो एक्सचेंज भी होता है जो आपने बोला लगता है कि ठीक है कि हम एक जीवन में बहुत सारे जीवन को अनुभव कर लेते हैं और जब आप दूसरे कैरेक्टर्स के पेन को हैप्पीनेस को एक्साइटमेंट को लॉस को परफॉर्म करते हैं ना तो आप बेटर आदमी बनते जाते हैं क्योंकि एक जीवन में हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस करते मैं अभिनेता नहीं होता तो मेरी एक माँ होती लेकिन अभिनेता होने की वजह से मैंने 15 माँ को एक्सपीरियंस किया है अलग अलग तो शायद मैं आदमी बेहतर बन सकता हूँ क्योंकि मेरे को बेहतर आदमी बनाने के लिए टूल्स दे रहा है मेरा पेशा मेरा प्रोफेशन ये एक बेटी मेरी है मेरे सिनेमा में 3 बेटियां बन चुकी हैं मुझे हमेशा लगता था कि मुझे लग रहा था काशी स्टेशन पे हम शूट किए थे काशी बनारस में तो मैं दोबारा 6 साल बाद गया उस स्टेशन पे वापिस एक दिन जा रहा था मैं रुको यार उस बेंच पे जाने दो मुझे गुजन सक्सेना नील भट्ट सन्नाटा का एक टीचर था प्रिंसिपल श्रीवास्तव तो बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं तो बड़ी अच्छी फिल्म थी वो इधर वालों ने नहीं देखी है नहीं देखी वालों नील भट्ट सन्नाटा देखो भाई नमस्कार मैं राकेश मित्तल इंदौर से भी जानते हैं अरे राकेश जी नमस्ते नील भट्ट सन्नाटा के नील भट्ट सन्नाटा लेके आए थे इंदौर बहुत अच्छा समय आपके साथ गुजरा था उस समय और मुझे ऐसा ध्यान है कि उसके बाद एक बार बॉम्बे में वैरिटी मैन में अपनी बहुत लंबी चर्चा हुई थी और बात नहीं है करीब 2.5-3 साल पहले की बात है और आपने बोला था कि राकेश मैंने बात देखेगा आपको कितना परिवर्तन मुझ में मिलेगा तो जितना प्यार मुझे लगता है आपको जनता ने दिया है पिछले 3 सालों के अंदर उतना शायद भारतीय सिनेमा में और किसी एक्टर को इतनी जल्दी इतना प्यार किसी को नहीं मिला मतलब उस समय ये था कि किसी तरह अपन विदेश यात्रा कराएं किसी समय इधर उधर घूम के अब आपके पास टाइम ही नहीं पाते हैं अब मैं अपने आप हाँ मतलब आप मुझे लोग बोलते हैं OTT खोलो प्राइम वीडियो खोलो वहाँ मौजूद हूँ अलीन भैया गुरुजी उधर दूसरे पे हैं नेटफ्लिक्स पे G5 पे भी है हॉटस्टार पे माधव मिश्रा तो सब जगह हमारा दुकान चल रहा है तो हाँ सर आप तो अच्छा
यस नील बेटे सन्नाटा वो पहली फिल्म थी क्योंकि उस वक्त ना आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर कास्टिंग ऐसे गैंगस्टर की होने लगी तो ऐसे लगे स्क्रिप्ट साथ साथ पिस्टल भी ला रहे हैं ये है स्क्रिप्ट ये है प्रॉप्स ये आपको चलाना है अपनी अय्यर ने मुझे मौका दिया टीचर के रोल में और मैं शिक्षकों से बहुत प्रेम करता हूँ टीचर्स से मैं जो भी बना हूँ अपने जीवन में उनमें टीचर्स का योगदान बहुत है और बहुत सारे टीचर्स का तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि टीचर का रोल मिला है यार जो बच्चों को इंस्पायर करना चाहता है बहुत मजा आया उस रोल को करने में वहां भी स्क्रिप्ट में कुछ नहीं था असुर ने बोला आप करो इम्प्रोवाइज कुछ करो तो मैं बोला थोड़ा फिजिकलिटी डालते हैं तो आप ध्यान देंगे तो उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा कैरिकेचरिस्ट है अलग किस्म का है प्रिंस श्रीवास्तव का और वो रोल को पढ़ते ने दिया और वो वैसा ले लिया बहुत मजा आया था वो करते हुए एक साउथ में बना था हाँ नहीं तो हमारे मेन स्ट्रीम में ज्यादा उधर से कहानियां आती क्योंकि मैं उतना ज्यादा इंटरनेट देखता नहीं हूँ 300 दिन शूटिंग करता था न कहीं मॉल में जाता था न कहीं पब्लिक स्पेस में गया कि पता चले कि मुझे देखने लोग आ गए हैं तो मुझे अनुमान ही नहीं था 2 साल तक कि मैं थोड़ा अच्छा पॉपुलर हो गया आपको फिर मैं ग्लासगो में था स्कॉटलैंड में और वहाँ लोग आ गए तब मुझे लगा मैं पॉपुलर हो गया स्कॉटलैंड में भी लोग देखने आ गए तो लॉकडाउन में ज्यादा इधर अभी जो लॉकडाउन शुरू हो गया और जब OTTs पे चीजें आने लगी तो और तब मेरे पास भी शूटिंग करने को नहीं था मैं घर पे बैठा और तब मुझे पता चला कि अच्छा जी लोग बहुत देख रहे हैं OTT के कारण और लोग पसंद कर रहे हैं तो मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि आज मुझे बहुत सतर्क होकर परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि लोग भरोसा करते हैं तो ये ट्रस्ट मेरे को थोड़ा जिम्मेदारी ला दिया नाउ यू हैव टू चूज गुड स्क्रिप्ट क्योंकि लोग पसंद करने लगे पहले तो जो आया सो करते गए मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है कर लो ये भी अच्छा लग रहा है कर लो तो एक यूनिक चीज होती है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के डिफरेंट एक्टर्स फेवरेट होते हैं पंकज जी का आई कैन शेयर विद यू एक यूनिक चीज है कि इनका फैंडम जो है वो कॉलेज गोइंग से लेके ओल्ड एज तक रहता है स्कूल गोइंग से लेके तो पंकज जी व्हेन यू हैव अ फैंडम व्हिच स्पैन्स 50-60 इयर्स यू नो व्हाट इज इट यू कीप इन माइंड अबाउट roles that you choose because ultimately kya hai ki ye ek snowballing hai badhta ja raha hai fandom how does it impact the choices you make and do you make choices that main ye nahi karunga ha ji ji thoda bataiye us bare mein kyunki wo jab anuman mujhe lagta hai ki main kabhi bhi jo mujhe chahne wale hain prashansak hain unko fans shabd nahi istemal karta hu baat cheet mein mujhe lagta hai ki mere kirdaron ne screen se nikal ke unke jeevan mein pahunche hain सिर्फ स्क्रीन तक की बात नहीं है हमारे किरदार स्क्रीन से उनके दिलो दिमाग में आए हैं तभी उनके मन में प्रेम जगा होगा या ये चाहत आई होगी कि यार ये अच्छा एक्टर है तो जब आपकी बात ज्यादा लोग सुनने लगते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि आप क्या बोले जीवन में भी और स्क्रीन पे भी तो मुझे इन दिनों लगा कि नहीं यार मैं किरदारों के चयन में आई नो कि दुनिया कैसी है उसको दिखाने के लिए एक ब्रूटल किरदार भी आपको करना पड़ेगा उसके पीछे समझाना है कि अच्छाई क्या है इसको समझने के लिए जब आप पूरे किरदार को देखेंगे तब मैं दोस्तों अभी मैं मास्टर क्लास करके आया हूँ श्री पंकज त्रिपाठी सर के साथ तो आप देख सकते हैं कि प्रशंसक उनके इंतज़ार में मतलब काफ़ी भीड़ है तो चलिए चलते हैं अभी दृश्यम की पूरी स्टार कास्ट यहाँ पे आई हुई है तो पीछे देख सकते हैं आप दर्शकों की पूरी भीड़ है और
क्या बात है। इस बार मुझे पिछले सालों से ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है, ज़्यादा भीड़ है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने समर्थक हैं, प्रशंसक हैं।